हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न इजी पर। मैं आज आप सभी लोगों के लिए लाया हूं क्लास टेंथ की फिजिक्स का पहला यूनिट लाइट, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि लाइट क्या होते हैं। हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आप लोगों को प्रकाश बताया जाएगा, फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा इमेज यानी प्रतिबिंब, जो आप प्रतिबिंब देखते हैं मिरर के सामने खड़े होकर अपनी छाया क्षेत्र देखते हैं, वो कैसे बनता है, वो कैसा होता है, उसको उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर आप लोग पढ़ेंगे दर्पण, दर्पण के बारे में जानेंगे कि ये जो मिरर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद मिरर पर प्रतिबिंब कैसे बनती है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके उपयोग क्या क्या हैं वो बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश। तो पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो आपके मन में हम एक क्वेश्चन डालते हैं कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में रोज सुबह उठते हैं और वस्तुओं को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं, ये हमें दिखाई कैसे देती है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आए वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं, तो आप बोलोगे प्रकाश है इसलिए वस्तु दिखाई देती है। लेकिन प्रकाश क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है आपको नहीं पता, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला आपके पास नेत्र, पहला जो होना चाहिए वह नेत्र होना चाहिए। वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं तो वो बताया जा रहा है कि इसके लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है, पहला नेत्र और दूसरा आपका क्या है लाइट, यानी जिसे हमें जानना है प्रकाश के बारे में। तो हमने आपसे पूछा कि वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, उसके बारे में बताएं। वस्तुएं दो कारण से दिखाई देती हैं, पहले आपके पास नेत्र होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए प्रकाश होना चाहिए। वो भी नेत्र से तात्पर्य है कि स्वस्थ नेत्र, जैसे एक दृष्टिहीन बालक किसी वस्तु को देख नहीं सकता। तो वस्तुओं को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक पहला नेत्र और दूसरा प्रकाश। तो इस आधार पर अब डिफिनेशन बताया जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। तो आप अपने मन में सोचिए प्रकाश दिखता कैसा है, हम पूछ रहे हैं, आप अपने से ही सोचिए कि प्रकाश कैसा दिखता है, आप उसका रंग या रूप बता सकते हैं नहीं। तो इस प्रकार से एक छोटी सी परिभाषा हुई कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, जिसे हमने अभी बताया आपको। आप बताइए कि प्रकाश का कैसा रूप है नहीं बता सकते, क्या रंग है नहीं पता, तो हमने उसको क्या कह दिया कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती। परंतु उसकी उपस्थिति में हमें क्या होता है, हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देती, परंतु उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन दोनों को मिलाकर बोला जाए तो वो डिफिनेशन की तहत देखा जाएगा, जिसे पूरा परिभाषा बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। तो आप लोगों को प्रकाश की परिभाषा क्लियर हुआ कि प्रकाश क्या होता है। तो क्लियर, प्रकाश वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, नेत्र, नेत्र से तात्पर्य है स्वस्थ नेत्र, और दूसरा प्रकाश, इन दोनों के कारण की वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। आगे बताएंगे कि कौन सी घटना होती है जिससे वस्तु दिखाई देती है। ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद एक घटना घटित होनी चाहिए जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की डिफिनेशन क्लियर हो गई कि प्रकाश किसे कहते हैं, डिफिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं वह बताया जाएगा। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक बोला जाता है दीप्त वस्तु और दूसरा बोला जाता है अदीप्त वस्तु। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, दो, एक दीप्त वस्तु और दूसरा क्या बोला गया अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तुएं कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, यानी कोई भी ऐसी वस्तु देखें जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे आप तुरंत बोल देंगे वो कैसी वस्तुएं हैं, दीप्त वस्तुएं हैं। यानी छोटे साठ में बोला जाए कि प्रकाश स्रोत वाली वस्तुओं को ही हम क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं, यानी जिससे हमें प्रकाश मिलता है उसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है सूर्य, आप देखते हैं सुबह उठते हैं तो देखते हैं सूर्य से प्रकाश आता है, आप बोलते हैं ना सूर्य उदित हुआ है, जिससे हमको क्या मिलता है प्रकाश। तो हमने अभी बताया दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत को।
तो प्रकाश जिससे मिलता है वही दीप्त वस्तु है, तो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है इसलिए सूर्य क्या हो गया, दीप्त वस्तु। तारे, रात में जो आप तारे देखते हैं, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इस प्रकार से तारे भी कैसी वस्तुएं होंगी, दीप्त वस्तुएं होंगी। बल्ब, जैसे आपके घर में प्रकाश करने के लिए कौन सी वस्तु होती है, बल्ब लगे होते हैं, तो उस बल्ब से हमें क्या मिलता है, प्रकाश। तो हमने अभी बोला था जो प्रकाश स्रोत हो यानी जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है वह हमारा क्या है, दीप्त वस्तु है। तो बल्ब भी क्या हो गया, दीप्त वस्तु। मोमबत्ती प्रकाश स्रोत है, वह भी दीप्त वस्तु। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रकाश स्रोत का काम करता हो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो परंतु वह दूसरों के प्रकाश से क्या हो, चमकता हो, यानी उस पर प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाश पड़े और वो वस्तु हमको दिखाई देता है, तो ऐसी सारी वस्तुओं को या ऐसी सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन जब प्रकाश स्रोत से इस पर प्रकाश गिरता है तो यह चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम बोलेंगे स्वयं का प्रकाश नहीं है इसलिए इसे हम बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, आप सभी को पता है कि वे स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं चंद्रमा कैसी वस्तु है, अदीप्त। किताब, जब तक इस पर प्रकाश नहीं गिरेगा वो किताब पे लिखे हुए अक्षर आपको दिखाई नहीं देंगे या किताब दिखाई नहीं देगा, तो किताब भी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इस प्रकार से उसे भी हम क्या कहेंगे, अदीप्त। वाइट बोर्ड जो आपके सामने है इस पर प्रकाश गिर रहा है तभी आपको दिखाई दे रहा है यानी प्रकाशित हो रहा है, इस प्रकार से यह भी क्या हो गया, अदीप्त वस्तुएं होंगी। अब चलते हैं बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाएंगे इस टॉपिक पर। एक नंबर का क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे पूछ दिया जाए कि कोई प्राकृतिक दीप्त वस्तु का नाम बताइए या कोई प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं हैं, तो उसमें अगर प्राकृतिक की बात किया जाएंगे तो सूर्य और तारे कैसे हैं, प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक प्राकृतिक अदीप्त वस्तु बताइए। चंद्रमा प्राकृतिक है लेकिन कैसी वस्तु है, अदीप्त है, तो चंद्रमा आप बता सकते हैं प्राकृतिक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्लियर, तो हमने आपको बता दिया प्रकाश क्या होते हैं, डिफिनेशन सामने दिखाई दे रहा है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की हैं ये बता दिए। अब हम बात करेंगे प्रकाश की प्रॉपर्टीज के बारे में यानी प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। तो हम चलते हैं प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला गुण यहाँ पे है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक सीधी रेखा में चलती है, जिसमें इंपॉर्टेंट तो हमेशा पूछा जाता है प्रकाश किस रूप में चलती है, तो आप बताओगे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक सीधी रेखा में चलती है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि यहां पे आया है तरंग, और आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, क्लास नाइन्थ में तरंग पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होगा प्रकाश कौन किस तरंग के रूप में चलती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। क्लियर, प्रकाश पहला प्रॉपर्टीज है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सीधी रेखा में चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी जाती है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जो निर्वात हो, निर्वात यानी जहां पे वायु की अनुपस्थित हो जैसे स्पेस में, वहां पे चाल इसकी गणना की गई 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में किसने खोज किया था, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसकी खोज किसने की, या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहां पर हमने क्या बता दिया, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है, और जब बात की जाती है वायु में तो वायु में भी सेम पाया जाता है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जैसे आप अगले चैप्टर में चलोगे, नेक्स्ट चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें आप लोग देखोगे कि जब इसका माध्यम चेंज होता है, जैसे अगर बात किया जाए वायु में तो यहां पर लिखा गया 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब बात की जाएगी जल में तो जल में प्रकाश का चाल होता है 2×25×10^8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब बात की जाएगी कांच में तो कांच में भी प्रकाश की चाल बदल जाती है, वहां पर होता है 2×10^8 मीटर पर सेकेंड।
यह आपको बताया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि जब माध्यम यानी जो प्रकाश की चाल होती है वह माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम बदल रहा है, जैसे यहाँ पर वायु, जल, कांच, तो आप देख रहे हैं प्रकाश की चाल इसमें क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। यह बताया जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में कि क्या कारण होता है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। अब आपका अगला प्रॉपर्टीज होती है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, यानी जो प्रकीर्णन वाली घटना चैप्टर में बताया जाएगा कि प्रकीर्णन में बताया जाएगा कि प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वह 39 सेंगेस्टर्म से 78 सेंगेस्टर्म होती है, और जब प्रकीर्णन की घटनाएं होती है तो कौन से रंग के लिए उसमें तरंगदैर्ध्य क्या होती है वह आपको प्रकाश के प्रकीर्णन में बताया जाएगा। लास्ट में आपका प्रॉपर्टीज है प्रकाश में परावर्तन, जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है, अपवर्तन, विवर्तन, जो आप हाई लेवल की क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा, प्रकीर्णन, जो कि आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि आपकी एक तरह से देखा जाएगा कि प्रकाश में ये सारी घटनाएं आपको पढ़नी है। परावर्तन जो आपके पहला चैप्टर है, अपवर्तन दूसरा चैप्टर, विवर्तन हम बोले जो आपको हायर क्लास में मिलेगा, प्रकीर्णन जो कि आपकी इसी क्लास में यानी तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रकाश का टॉपिक समाप्त होते हुए आप लोगों को जो भी न समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे प्रकाश का परावर्तन।